हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीएमआईई रिपोर्ट 14 महीनों में 167% बड़ी बेरोजगारी, नौकरी देने में नहीं छीनने में नंबर वन बने मोदी। मोदी सरकार ये कहते आ रही है कि उसके द्वारा उठाए गए नोटबंदी और जीएसटी जैसे आर्थिक कदमों के फायदे देश को समय बीतने के साथ ज्यादा होंगे, लेकिन फायदे के बदले जैसे जैसे समय बीता देश का नुकसान बढ़ता गया और अब वर्ष 2018 आर्थिक संकट के रूप में देश के सामने आ गया। वर्ष 2018 में देश की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है, इसका खामियाजा आम जनता को महंगाई से लेकर रोजगार तक के मोर्चे पर भुगतना पड़ा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी पिछले 14 महीनों में 167% बढ़ गई। ये जानकारी इकोनॉमिक्स टाइम्स ने अपने एक लेख में भी छापी। रिपोर्ट के मुताबिक महीने के महीने बेरोजगारी के हिसाब से सितंबर 2018 में बेरोजगारी दर 8% के दर पर आ गई, जबकि जुलाई में ये 3% पर थी। मतलब पिछले 14 महीनों में बेरोजगारी 167% बढ़ गई है। ये तब है जब नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से आने से पहले कई नौकरियां देने का वादा किया। इस बेरोजगारी का कारण देश की आर्थिक हालत है। आईएलएफ जैसी देश की सबसे बड़ी सरकारी नॉन बैंकिंग कंपनी संकटों का सामना कर रही है, इसका असर शेयर बाजार पर भी खासा दिखाई दे रहा है। सितंबर से अब तक निवेशक शेयर बाजार में खराब अर्थव्यवस्था के चलते 17 लाख करोड़ से ज्यादा गंवा चुके हैं। इस सबके चलते अब निवेशक निवेश करने से डर रहे हैं। निवेश न होने के कारण बाजार में नए उद्योग नहीं शुरू हो पा रहे, इसका असर सीधा सीधा रोजगार पर पड़ रहा है। उल्टा इस वर्ष विदेशी निवेशक भारत से अपना 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश वापस निकाल चुके हैं। स्मृति जी, सैनिटरी पैड लेकर औरतें मंदिर जाए या नहीं, मगर खाली दिमाग लेकर आप संसद पहुंच गई हैं। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 6 दिन खुलकर सोमवार को सबरीमाला मंदिर के कपाट दोबारा बंद हो गए, लेकिन महिलाओं को मंदिर में एंट्री नहीं मिली। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने 23 अक्टूबर को कुल 19 पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर 24 अक्टूबर को सुनवाई करने वाला था, लेकिन अब सुनवाई 13 नवम्बर को होगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने साफ कहा कि वो कोई भी पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेंगे। एक तरफ केरल की वामपंथी सरकार का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले के साथ हैं और महिलाओं को मंदिर में एंट्री मिलनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समेत अन्य दक्षिणपंथी संगठन महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में एंट्री का विरोध कर रहे हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मंदिर में पूजा करने का अधिकार है, लेकिन अपवित्र करने का नहीं। मंगलवार को मुंबई में ब्रिटिश हाई कमीशन और आर्जीवर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने कहा, मैं उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ बोलने वाली कोई नहीं हूं, क्योंकि मैं एक कैबिनेट मंत्री हूं, लेकिन ये साधारण सी बात है कि आप महावारी के खून से सना नैपकिन लेकर चलेंगे और किसी दोस्त के घर में जाएंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे ना। उन्होंने आगे कहा कि क्या आपको लगता है कि भगवान के घर ऐसे जाना सम्मानजनक है? यही फर्क है, मुझे पूजा करने का अधिकार है लेकिन अपवित्र करने का अधिकार नहीं। यही फर्क है कि हमें इसे पहचाने और सम्मान करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी के इस बयान की जमकर आलोचना हुई। ईरानी के बयान को तमाम लेखों और रिपोर्टर्स के माध्यम से तर्कहीन बताया गया। प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पीएचडी स्कॉलर जयंत जिज्ञासु ने फेसबुक पर लिखा है, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, ईरानी साहिबा जब सैनिटरी पैड लेकर माए बहने मंदिर नहीं जा सकती तो कुछ लोग खाली दिमाग लेकर पार्लियामेंट कैसे पहुंच जाते हैं। मोदी जी, अगर कांग्रेस ने नेता जी को भुला दिया है तो हर गली चौराहे पर उनकी प्रतिमाएं किसने लगवाई? रविंद्रनाथ टैगोर अपने जीवन में 5 बार अमेरिका आए, इसके लिए भाप इंजन वाले पानी के जहाज से लंबी यात्राएं की, राष्ट्रवाद के कल्ट पर भाषण दिया। इसी क्रम में 6 दिसंबर 1916 को न्यू हेवन पहुंचे, जहां येल यूनिवर्सिटी है। आप इस पोस्ट के साथ एक इमारत की तस्वीर देखेंगे, इसका नाम है टाफ्ट अपार्टमेंट। ये तो होटल था जहां टैगोर रुके। टैगोर के स्वागत के लिए जहां भारतीय छात्र काफी उत्साहित थे, काश इन छात्रों पर कोई किताब होती जो बताती कि उस समय ऑक्सफोर्ड छोड़कर येल क्यों आए, आने वाले कौन थे और लौटकर भारत जाकर क्या किया। खैर, टैगोर का स्वागत उस समय संस्कृत के विद्वान प्रो हॉपिंसन के किया। न्यूज बुलेटिन में रविंद्रनाथ टैगोर को सर कहकर संबोधित किया है। टैगोर ने यहाँ कविता पाठ किया था। हाँ, तो बता रहा था कि टाफ्ट इमारत अब भी है, होटल की जगह इसे रहने की जगह में बदल दिया गया। टैगोर से संबंधित जानकारी जमा करते हुए ये भी पता चला कि स्वामी विवेकानंद ने पहले ब्रह्मांड समाज पीसी मजूमदार अमेरिका आए थे, तब पीसी मजूमदार ने यहाँ घूम घूम कर भाषण दिया था। 1983 में पीसी मजूमदार और विवेकानंद एक साथ आए थे। अब एक बुलेटिन से बदलता है कि शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के साथ पीसी मजूमदार ने भी भाषण दिया, जिनके बारे में पब्लिक कम से कम जानकारी जानती है। दोनों के भाषणों का अध्ययन हो सकता है, जरूर हुआ होगा,
पर कुछ सामग्री का पता चले तो पढ़ूंगा जरूर। ये बात कोई प्रधानमंत्री को भी बता दे, वो इन दिनों नायकों को याद करने और सम्मान करने का काम कर रहे हैं। इससे होगा ये कि इसी बहाने उन्हें एक और कार्यक्रम और भाषण देने का बहाना मिल जाएगा, कहने का मौका मिलेगा कि कैसे एक परिवार ने या उसे एक परिवार के लिए इतिहास के नायकों का सम्मान नहीं किया गया। जिस नेताजी बोस पर दर्जनों किताबें लिखी गई, गाने बने, करोड़ों कैलेंडर छपे जिसमें नेताजी की तस्वीर अनिवार्य रूप से होती थी और है, अनेक चेहरों पर उनकी प्रतिमा है, सड़कों के नाम है, नेताजी नगर है, देश के करोड़ों बच्चे फैंसी ड्रेस पार्टी में नेताजी बनकर जाते हैं, उस नेताजी के बारे में प्रधानमंत्री ही कह सकते हैं कि इन्हें भुला दिया गया, उन्हें भुला दिया गया। प्रधानमंत्री के याद करने का एक ही पैटर्न है, उसे देखते हुए लगेगा कि अकेले नेहरू ने भारत की आजादी के सारे नायकों को किनारे कर दिया। इतने सारे नायक नेहरू से किनारे हो गए, नेहरू आजादी की लड़ाई में कई साल जेल गए, यात्राएं की, मगर प्रधानमंत्री के भाषणों से लगता है कि नेहरू अंग्रेजी हुकूमत से नहीं बल्कि उन महापुरुषों को ठिकाने लगाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नेताजी और नेहरू की दोस्ती पर दो लाइन भी नहीं बोलेंगे, पटेल और नेहरू के आत्मीय संबंधों पर दो लाइन नहीं बोलेंगे, मगर हर भाषण का तेवर ऐसा होगा जैसे नेहरू ने सबके साथ नहीं किया बल्कि उनके साथ अन्याय किया। प्रधानमंत्री के लिए आज भी इतिहास सिर्फ याद करने का विषय है, रट्टा मारने का विषय है। इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतिहास का ऐसा सत्यकरण नहीं किया जितना हमारे प्रधानमंत्री ने किया। मैं इस सत्यकरण के अलावा इतिहास का व्हाट्सएपीकरण करता हूं। इन मौकों पर मोदी के भाषण का कंटेंट और व्हाट्सएप मीम में किसी नायक के जन्मदिन पर जो कंटेंट होता है, दोनों में खास अंतर नहीं होता। मोदी को प्रधान सेवक के साथ साथ भारत का प्रधान इतिहासकार घोषित कर देना चाहिए। ये पद प्राप्त करने वाले वो दुनिया के पहले प्रधानमंत्री होंगे। हफ्ते भर में 37,000 करोड़ घटा विदेशी मुद्रा भंडार 2011 के बाद। अब मोदी राज में आई सबसे बड़ी गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत का असर अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित कर रहा है। रुपए की गिरती कीमतों के चलते विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई और अक्टूबर में मुद्रा भंडार ने घटने का नया रिकॉर्ड बनाया। विदेशी मुद्रा भंडार वो सुरक्षित पैसा होता है जिसे देश में किसी भी तरह के संकट और व्यापार के लिए रखा जाता है। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार घट रही है और इस वजह से आयात किए हुए उत्पादों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार से पैसा निकालना पड़ रहा है। अब लगातार इसमें निकासी के कारण अक्टूबर में विदेशी मुद्रा भंडार 5.143 अरब डॉलर यानी लगभग 37,000 करोड़ रुपए घट गया। ये गिरावट केवल एक हफ्ते में आई और 2011 के बाद ये पहली बार है जब इतनी तेजी से इतना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार घटा। अब ये घटकर 394.465 अरब डॉलर हो गया। पिछले सप्ताह मुद्रा भंडार 91.58 करोड़ डॉलर घटकर 399.609 अरब डॉलर पर आ गया था। गौरतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपए जनवरी से 16% लुढ़क गया है और पिछले सप्ताह 74.43 पर आ गया। शुक्रवार को रुपया 73.32 पर बंद हुआ। इसी के चलते जो विदेशी मुद्रा भंडार 13 अप्रैल 2018 को समाप्त सप्ताह में 426.028 अरब डॉलर पर पहुंच गया था, उसमें 31 अरब डॉलर की कमी आई। स्वर्ण भंडार 7.14 करोड़ डॉलर बढ़कर 20.52 अरब डॉलर पहुंच गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में व्यक्त किया जाता है और इस पर भंडार में मौजूद पाउंड, स्टर्लिंग, येन जैसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है। पीएमओ ने किया कांग्रेस के खिलाफ ट्वीट, अभिसार बोले अपनी तरह पीएमओ की गरिमा ना गिराओ मोदी जी। प्रधानमंत्री कार्यकाल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए लिखा गया, एक ही परिवार को बड़ा करने में सबको छोटा किया। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद किया गया जिसमें उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उपलब्धियों को याद करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि एक ही परिवार को बड़ा बताने के लिए देश के अनेक सपूतों के योगदान को भी भुलाने का प्रयास किया गया। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में कही। इस बयान के बाद पीएम मोदी पर कांग्रेस ने झूठ बोलने और इतिहास को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि व्याकुल बीजेपी इतिहास फिर से लिखने की कोशिश कर रही है और सरदार पटेल एवं जवाहरलाल नेहरू के बीच तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं नेहरू के बीच एक काल्पनिक प्रतिद्वंद्विता पैदा कर रही है। इसने शुभ अवसरों का इस्तेमाल ओछे राजनीतिक हथकंडों के लिए किया। वहीं पीएमओ इंडिया ने इस ट्वीट के बाद अब सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा कि दलगत राजनीति के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को आखिर क्यों इस्तेमाल किया गया। लोगों का कहना है कि इससे प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा गिर रही है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकार अभिसार शर्मा ने ट्वीट कर लिखा है, इस ट्वीट ने प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को कम से कम पीएम कार्यालय को तो इससे दूर रखिए सर। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने लिखा, पीएमओ इंडिया के आधिकारिक हैंडल को दलगत राजनीति कीचड़ उठाने और ट्रोल करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया, ये हरकतें इस कार्यालय को छोटा करती है जनाब। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।